लाडवा के वार्ड नंबर 14 में बनने वाले सामुदायिक केंद्र के सरकार के 28 लाख रुपए डूबे बरसाती पानी में 5 जनवरी 2018 को लाडवा विधायक द्वारा किया गया था लाडवा में बनने वाले सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास, जहां एक ओर सरकार के नुमाइंदे सरकार द्वारा विकास कार्यों के गुणगान करते हुए दिन रात नहीं थकते हैं, वहीं दूसरी ओर लाडवा के वार्ड नंबर 14 में बनने वाले सामुदायिक केंद्र के लगभग एक वर्ष बीत जाने वे लगभग 28 लाख रुपए खर्च कर नगर पालिका द्वारा बनाए जाने वाले सामुदायिक केंद्र की मात्र नींवें भरने का काम भी पूरा नहीं हो पाया है, जिसके कारण आसपास के रहने वाले लोगों में सरकार व नगर पालिका प्रशासन के प्रति रोष बना हुआ है। बरसात के कारण निर्माणाधीन सामुदायिक केंद्र की बन रही बेसमेंट की नींवों के अंदर इतना पानी भर गया है कि जिसको सूखने में कई महीने लग जाएंगे। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा नींवों पर खर्च किए गए लगभग 28 लाख रुपए की राशि भी इस सामुदायिक केंद्र को तैयार न होने के कारण बरसात के पानी में डूब गई है। बता दें कि लाडवा हलके के विधायक डॉक्टर पवन सैनी द्वारा 5 जनवरी 2018 को लाडवा के वार्ड नंबर 14 जिंदल पार्क के पीछे नगर पालिका की जमीन में एक सामुदायिक केंद्र जो कि लगभग 34 लाख रुपए की लागत से बनकर 31 मार्च 2018 तक बनकर जनता को समर्पित किया जाना था, 29 दिसंबर 2018 तक लगभग 28 लाख रुपए खर्च कर नगर पालिका द्वारा सही प्रकार से इस सामुदायिक केंद्र की नींवें भरवाने तक का भी काम पूरा नहीं करवाया गया है। एक ओर तो लाडवा हलके के विधायक डॉक्टर पवन सैनी सरकार की ओर से हलके के विकास के लिए धन की कोई कमी न होने का नारा देते हैं, वहीं दूसरी ओर नगर पालिका द्वारा यह सामुदायिक केंद्र एक वर्ष बाद भी बनना तो दूर की बात, नींवें भरवाने तक का भी काम पूरा करने में असफल रही है। आसपास रहने वाले लोगों के अंदर इस बात को लेकर रोष बना हुआ है। जो सामुदायिक केंद्र 31 मार्च 2018 तक बनकर तैयार होना था, लगभग 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं बन पाया है। इतना ही नहीं, 5 जनवरी 2018 को लाडवा विधायक द्वारा किया गया शिलान्यास का पत्थर भी अब गायब हो गया है। वहीं वार्डवासी बोले कि अब उनको अपने बच्चों की चिंता सताने लगी है कि कोई चोट आदि न लग जाए। जब तो ये पानी सा चढ़ जाए तो पानी काट दे, फिर गले बंद कर दे, राड़ा सुखता हो जाए, कोई काम करते नहीं। हाँ, कई बार बच्चे गिर के चोट लगे, उनका कोई मर जाएगा, पानी पड़ने लग जाए, जोर हो गया पूरा, तो क्या करें, मकान गिरने लग रहे हमारे। कितने लोग रहते हैं इसके आसपास? इसके आसपास 20-25 लोग रहे। 20-25 घर हैं? अच्छा, तो आपने नगर पालिका में बोला नहीं इसके बारे में? वही महिलाएं बोली कि अब हमारे घरों में भी दरारें भी आनी शुरू हो गई है, अधिकारी नहीं कर रहे हैं सुचारू रूप से काम। सारी परेशानियां है जी, हमारे मन है बच्चों का भी खतरा है, यहाँ से सारी सड़क टेढ़ी पड़ी, दीवार गिरी पड़ी, पानी भरा पड़ा जी, हर परेशान तक वैसे हमारे तो चोटा फटा लगी पड़ी जी। क्यों नहीं बन रहा है ये? पता नहीं जी क्यों नहीं बना रही है सरकार, हमें क्या पता इस बारे में, कई दफा जा भी लिया। हमारे को बहुत दिक्कत, सरकार सुन नहीं रही, इसमें बच्चे डूब के मरने का भी खतरा है। मकानों में कोई दिक्कत आ रही है क्या? देखो जी, सारे मतेड़ा है, जितने मकान खड़े हैं ना, लैंडलॉर्ड है, सब मतेड़ा है, बिल्कुल सारे मतेड़ा है। लाडवा नगर पालिका प्रधान साक्षी खुराना का कहना है कि एक वर्ष पहले नगर पालिका के ME व JE को इस बनने वाले सामुदायिक केंद्र की रिपोर्ट बनाने को लिखित व मौखिक रूप से दी गई थी, परंतु दोनों ही अधिकारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है और न ही इस सामुदायिक केंद्र को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी माना कि निर्माणाधीन सामुदायिक केंद्र के आसपास रहने वाले लोगों को अब खतरा है। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में 20 जून को भी ME को एक लिखित पत्र इस सामुदायिक केंद्र की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था, परंतु कोई काम नहीं हुआ है। सोमवार को लाडवा नगर पालिका ME रवि ओबेराय के बारे में जिला उपायुक्त को एक लिखित पत्र में लिखकर भेज दिया गया है कि बनने वाले सामुदायिक केंद्र के पास मकानों के लोगों की यदि किसी भी प्रकार का जान माल का नुकसान होता है तो सारी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। मैं गई थी मौके पे, मैंने देखा स्थिति जाके, वाकई में वहाँ पे पानी भरा हुआ है 14 वार्ड में, पर मैंने जो हालात देखे उसके आदेश मैंने दे दिए हैं JE और ME को, मौखिक रूप से 3 बारी 4 बारी कह चुकी हूँ। अब मैंने उसी स्तर पर मैंने लेटर उनको जारी कर दिया, 15 तारीख को उनको लेटर दे दिया। किस बात का लेटर दिया है? लेटर यही दिया, आदेश दिया है कि इस पे कार्रवाई करें। कंचन TV के लिए लाडवा से नरेश गर्ग की रिपोर्ट।